घर के आगे कूड़ा ना फेंका करो, लेकिन इसको बात समझ में नहीं आती कि आप देखो तो कूड़ा लाकर मेरे दरवाजे फेंकती है। इसीलिए आज मैं अपने घर का सारा कूड़ा लेके आई हूँ और इसी के दरवाजे फेंकूंगी। अब इसे समझ में आएगा कि दूसरों के घर के आगे कूड़ा फेंकने से क्या होता है। अब इसे सबक सिखाती हूँ, समझती क्या आपने आपको बिल्ला। अरे कमला बिल्ला, अरे ये तुम लोग जो ऐसे आपस में लड़ाई झगड़ा कर रही हो रहे हैं? अरे सरपंच जी देखो ना, इस कमला को दरवाजे कूड़ा फेंकती है। सरपंच जी पहले कूड़ा इसको फेंका था, कहने का मतलब है उतनी हमारे आसपास साफ सफाई रहेगी उतनी हमसे बीमारियां दूर होंगी। तुम भी स्वस्थ रहोगी, तुम्हारे बच्चे भी स्वस्थ रहेंगे, और जब बच्चे स्वस्थ रहेंगे तभी तो उनका पढ़ाई लिखाई में मन लगेगा, तभी तो वो अच्छे नंबरों से पास हो पाएंगे, और तुम लोग भी स्वस्थ रहोगे तभी तो तुम्हारा किसी काम में मन लगेगा। हाँ मुखिया जी ये बात तो है ये। और जानती हूँ अब अपने देश में कोरोना बीमारी कैसे फैली हुई है, अपने देश का पूरी दुनिया में कोरोना नाम की बीमारी फैली हुई है और अभी तक इसकी कोई दवा भी नहीं आई है। और जब दवा नहीं आई है तो जानती हो अब हमको इस कोरोना बीमारी से डरना नहीं है बल्कि इससे लड़ना है। और लड़ने के लिए क्या करना है, 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी, और अपने हाथों को साबुन से बार बार धोते रहना है, तभी हम इस कोरोना नाम की बीमारी से बच पाएंगे। बात समझ में आई? हाँ हाँ मुखिया जी, अब हमें आपकी बात समझ में आ गई। अब तो एक दूसरे के दरवाजे कूड़ा नहीं फेंकोगी? नहीं, अब हम लोग कूड़े को डस्टबिन में डालेंगे। और सबसे बढ़िया तरीका, घर से थोड़ी दूर पर एक गड्ढा बना लो, कूड़ा ले जाके उस गड्ढे में डाल दो, फिर उसके ऊपर हल्की सी मिट्टी डालो, फिर कूड़ा डालो, जब वो गड्ढा भर जाए तो उसके बगल में दूसरा गड्ढा बना लो। कुछ दिन के बाद यही कूड़ा सड़ करके एक बढ़िया देसी खाद बन के तैयार हो जाएगी। उस खाद को ले जाके अपने खेतों में डालो, छोटी छोटी क्यारियों में डालो, गमलों में डालो, जिससे कि फसल बढ़िया होगी और खेत की पैदावार भी बढ़ेगी।